अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेटर स्टूडियो। हाजिर हूँ ईद स्पेशल वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से। दोस्तों, जैसा कि बकरा ईद की आमद है और हर चीज़ को स्पेशल बनाया जाता है, तो पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट भी स्पेशल देती है और मुख्तलिफ ड्रामास, प्रोग्राम्स और टेलीफिल्म्स के जरिए ईद पर भी एंटरटेनमेंट जारी रखती है। इस वीडियो में आप वही ईद पर रिलीज होने वाली टेलीफिल्म्स देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, इस फिल्म का टाइटल होने वाला है मिडनाइट पिज़्ज़ा डिलीवरी, जिसकी लीडिंग कास्ट में हमें अलीज़े शाह, उसामा खान और दीगर एक्टर्स देखने को मिलेंगे। बहरहाल राइटर डायरेक्टर के बारे में अभी अनाउंस नहीं किया, जबकि फिलहाल इस फिल्म की सिर्फ हमें अनाउंसमेंट ही देखने को मिली, जबकि मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक इसके टीजर भी रिलीज कर दिया जाएगा। व्यूअर्स, ये होने वाली है जियो टीवी की ईद पर आने वाली सबसे बड़ी टैली फिल्म, जिसकी लीडिंग कास्ट में हमें फिरोज खान और सहर खान एक साथ देखने को मिलेंगे। फिल्म को बनाया जा रहा है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले, जो कि फुल ऑफ एंटरटेनमेंट मूवी होने वाली, जबकि इसका ओएसटी फिरोज खान की टैली फिल्म दिल तेरा हो गया से सिमिलर, तो शायद हमें ये उस फिल्म का सीक्वल ही देखने को मिले। बहरहाल इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जबकि ईद उल अजहा की मोस्ट अवेटेड मूवी होने के साथ ये कॉमेडी, ड्रामा और रोमांस का भरपूर पैकेज होगी, जो मोस्ट प्रोबेबली पहले दिन ऑनर की जाएगी। तुमसे ना हो पाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में हॉरर कॉमेडी के शौकीनों के लिए ये बेस्ट फिल्म होने वाली, जिसकी लीडिंग कास्ट में हमें नादिया खान, मुनीब भट्ट और दीगर एक्टर्स एक साथ देखने को मिले। बहरहाल इसमें मुनीब भट्ट एक जिन का और नादिया खान एक एज्ड वुमेन का किरदार अदा करे। इसे मोमना दुर्रैत प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया जा रहा है और हम टीवी पर ऑन एयर किया जाएगा, जबकि ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसे बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो ये एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है। लव है मुश्किल। दोस्तों, सिंपल कॉमेडी के फैंस के लिए ये मूवी बेस्ट मूवी हो, जिसमें हमें लव स्टोरी के साथ हल्की हल्की कॉमेडी भी देखने को मिले। इसे सिक्स सिग्मा के बैनर तले प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसे एआरवाई डिजिटल पर ऑन एयर किया जाएगा, जिसके लीडिंग कास्ट में होने वाले हैं अली रहमान खान, जावेद शेख, महनूर हैदर और हिना बाया। इसकी स्टोरी लिखी है मिसबा अली सैयद ने, जबकि इसे काशिफ सलीम की डायरेक्शन में बनाया जाएगा। इसके टीजर रिलीज कर दिया गया है, जिसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। बहरहाल इसे थर्ड डे ऑन एयर किया। इस फिल्म का टाइटल होने वाला है तेरे नाम का टैटू। इस फिल्म को लीड कर रहे हैं सहर हाशमी और अरसलान नसीम, जिनके हमरा नूरुल हसन, सबा हमी, मेहरोज सब्जवारी और जिगर एक्ट्रेस भी अहम किरदार निभाते हुए दिखाई दे। ये फिल्म एक फुल ऑन कॉमेडी स्टोरी होने वाली है, जो कि बिल्कुल ईद टैली फिल्म्स के टेस्ट पर पूरा उतरती है। इसे भी एयरवाई की प्रोडक्शन में बनाया जा रहा है और एयरवाई डिजिटल पर ऑन एयर किया जाएगा। इसमें हमें बेस्ट डायलॉग्स, टाइमिंग और प्लॉट के साथ बेहतरीन कॉमेडी देखने को मिले, जिसे गालिबन दूसरे दिन ऑन एयर किया जाएगा। दोस्तों, इस फिल्म के लीडिंग कास्ट में होने वाले हैं अलीज़े शाह और उसामा खान। इसको वो सात दिन के टाइटल से रिलीज किया जा रहा है। इसका बेहतरीन ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है, जिसे इतना ज्यादा अच्छा रिस्पांस देखने को नहीं मिला। बहरहाल मेरे रिव्यूज में ये एक अंडररेटेड ट्रेलर है, जबकि इसे मोमना दुर्रैत प्रोड्यूस कर रही है और हम टीवी पर ऑन एयर किया जाएगा। जॉनर के एतबार से ये एक ड्रामेडी यानी कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली, जिसे ईद के तीसरे दिन रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, ये ड्रामा होने वाला है फहद मुस्तफ़ा का अपकमिंग ड्रामा, जिसमें उनके हमरा हानिया आमिर दिखने वाली हैं। इस ड्रामा का टाइटल होगा कभी मैं कभी तुम। इसे फहद मुस्तफ़ा ही की प्रोडक्शन में बनाया जा रहा है, जिसके प्रोडक्शन लेवल का अंदाजा हमें इसका टीजर देखकर ही हो जाना चाहिए। बहरहाल इस ड्रामा का जेनर रोमांस एंड ड्रामा होने वाला, जो की फहद मुस्तफ़ा का ऑन स्क्रीन आफ्टर 10 ईयर्स कम बैक है, जो प्रोबेबली ईद के करीब ऑन एयर किया जाए। बहरहाल ये इस साल के टॉप ड्रामास की लिस्ट में। इस मूवी का टाइटल अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। बहरहाल इसको लीड करेंगे द फेमस एक्टर एहसन खान, अमर खान और सिद्रा नियाजी, जो कि इस ईद पर आने वाली बेहतरीन कॉमेडी मूवी हो, जो कि ऑडियंस के देखने के लिए मेरी तरफ से मस्ट प्रेडिक्टेड है। इस मूवी में हमें एहसन खान डबल रोल में देखने को मिलेंगे, जी हाँ, एक मेल और एक फीमेल। इस फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है, जिसे आप जाकर अभी देख सकते हैं। इसे शायद सेवन स्काई की प्रोडक्शन में बनाया गया है, जबकि इसे जियो एंटरटेनमेंट पर ही ऑन एयर किया जाएगा। इस मूवी का टाइटल होने वाला है तमन्ना की आरजू, जिसकी लीडिंग कास्ट में हमें मदीहा इमाम और मुनीब भट्ट देखने को मिलेंगे। इस मूवी को भी एयरवे डिजिटल की प्रोडक्शन में ही बनाया जा रहा है, जबकि इसमें हमें बेहतरीन कॉमेडी के साथ रैम्बो, निता मुमताज, एक्ट्रेस साहिबा और दीगर के साथ एक बड़ी कास्ट देखने को मिलेगी। ये भी अच्छे डायलॉग, बेहतरीन कैरेक्टर, सीन्स और एक्टर्स के साथ एक रिकमेंडेड मूवी होने वाली है, जो की आपको पूरी तरह से एंटरटेन।
दोस्तों, ये होने वाली है लास्ट मूवी जिसका टाइटल होगा गुड मॉर्निंग सास जी। इसकी लीडिंग कास्ट में हमें सेम लीडिंग कास्ट यानी मदीहा इमाम और मुनीब भट्ट के साथ सानिया सईद, सीमी राहिल, उरूसा खान और दीगर देखने को मिलेंगे, जो बहरहाल एक अच्छी कॉमेडी मूवी होगी। जबकि इसे सेम स्टार कास्ट के साथ मोमिनातुर्रैत की प्रोडक्शन में हम टीवी के बैनर तले बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आप इनमें से कौन सी मूवी देखेंगे और किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, अपनी चॉइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करें। तो मिलते हैं अगली मर्तबा एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड एंड खुदा हाफिज़।